الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, ये मेरे लिए बड़ी ख़ुशी का मौका है कि अलइज़्ला के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल रहा है। मैं आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ जिस संजीदगी के साथ आप यहाँ बैठे हैं और जिस तादाद में इस प्रोग्राम में आप शरीक हो रहे हैं और जो दिलचस्पी आपके चेहरों से ज़ाहिर हो रही है वो वाकई ऐसी है कि उस पर आपको मुबारकबाद दी जाए। और मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि ये भी हो सकता था कि ये इफ्तिताही प्रोग्राम न होता बल्कि इख्तितामी प्रोग्राम होता। अगर इख्तितामी प्रोग्राम होता तो हम में से बहुत से यानी साथी अफसोस कर रहे होते कि साल भर उनको ये एक मौका मिला था और ये मौका उन्होंने गंवा दिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये इफ्तिताही प्रोग्राम है और आपके अंदर वो जज्बा है, वो शौक़ है और इस मौके से फ़ायदा उठाने का ख़्याल बज़ाहिर उसका इजहार आपके चेहरों से हो रहा है। अगर ये इख्तितामी प्रोग्राम होता तो यकीनन अफसोस के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। चूँकि मैंने भी यहीं पढ़ा है और शहर में रहने की वजह से इस तरह के प्रोग्रामों में से मतलब प्रोग्रामों से महरूमी रही, तो वो फ़ायदा जो उठाया जा सकता था उठाने का मौका नहीं मिला। और दूसरे ये कि उतनी दिलचस्पी भी नहीं थी, वो वक्त ही ऐसा होता है, आपको भी इसका अंदाज़ा होगा कि खेलकूद की तरफ तबीयत ज़्यादा माइल होती है लेकिन उसके नुकसानात बाद में ज़ाहिर होते हैं। तो मैं आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जो मौका मिला है इस इदारे में आने का और फिर ये जो मौका आपको मिल रहा है अलइस्ला के इन प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने का, इन मौक़े को आप ज़ाय न कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि आदमी शुरू में तो ये समझता है कि ये ज़िंदगी जैसी है वैसे ही गुजर जाएगी, हम हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा तालिब इल्म रहेंगे और हमें मैदान अमल में कदम नहीं रखना। लेकिन आप चाहें न चाहें एक वक्त आता है कि मैदान अमल में कदम रखना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, स्टेज पर आपको बैठना पड़ता है, लोगों को खिताब करना पड़ता है। उस वक्त फिर एहसास होता है कि काश कि अगर हमने उस वक्त मेहनत कर ली होती तो आज हमारे लिए बड़ी आसानी होती बात करने में, बात कहने में। लेकिन अब चूँकि हमने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा पाए तो आज हम परेशान हैं, हम बात कहना चाहते नहीं कह सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं, हमारे पास वो ताबीरात नहीं, हमारे पास वो जुमले नहीं, हमारे अंदर वो ख्यालात नहीं, हमारे पास वो फ़िक्र नहीं जिसका हम इजहार कर सकें या दूसरों के सामने रख सकें। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये मौका जो आपको दिया है, ऐसा ना हो कि साल गुज़र जाए और फिर आपके फिर अफसोस मिलें और अपने अपने घरों को चले जाएं महरूमी के साथ और नाकामी के साथ। इस मौके से फ़ायदा उठाइए और कोई प्रोग्राम, चाहे वो तहरीरी हो या वो तकरीरी हो या वो बैतबाजी से ताल्लुक़ रखता हो या वो नज़म खानी से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी प्रोग्राम हो शरीक ज़रूर होइए। एक शेर भी याद हो जाएगा तो न जाने कहाँ पर वो काम आ जाए, एक जुमला भी याद हो जाएगा तो कभी कभी वो पूरी तकरीर पर भारी पड़ जाएगा। लिहाजा इस मौके से या इन मौक़े से फ़ायदा उठाइए और तवज्जो के साथ उसमें शरीक होइए और कोशिश कीजिए कि जो बातें सुनें वो आपके जहन में महफूज भी रहें, क्योंकि जो चीज़ जहन में महफूज रहती है वही काम आती है और जो जहन से निकल जाती है वो काम नहीं आती है। इन इस तमहीद के साथ
या इस तमहीद के बाद कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो अल-इस्लाह से इस तौर पर ताल्लुक़ रखती हैं कि या तो वो खिताबत से ताल्लुक़ रखती हैं या फिर वो तहरीर से ताल्लुक़ रखती हैं। बैतबाज़ी का जहाँ तक सवाल है, नज़्म ख़ानी का जहाँ तक सवाल है, ये चीज़ें तो ज़माने तालिबे इल्मी तक आपके साथ रहेंगी, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं यानी तकरीर और तहरीर, ये आपके बाद में भी काम आएंगी। जब आप यहाँ से फारिग होके जाएंगे तो आपको इनका यानी तकरीर से मफर नहीं है, कहीं ना कहीं करना पड़ेगी। तहरीर से मफर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपको स्टेज फराहम किया गया है ये उसी की तैयारी का है। लेकिन तकरीर का जहाँ तक सवाल है या तहरीर का जहाँ तक सवाल है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। नदवे का अपना एक इम्तियाज़ है, नदवे की अपनी एक खसूसियत है, चाहे वो मैदान तकरीर का हो या वो तहरीर का हो। यहाँ के जो हमारे जो बड़े गुज़रे हैं उन्होंने सब में अपने नमूने छोड़े हैं, हमें उन नमूनों को सामने रखना चाहिए। हमें दूसरे मुकर्ररीन को नहीं देखना और दूसरे मुसन्निफीन को नहीं देखना। हमारा जो इदारा है इसमें जो हमारे अकाबिर गुज़रे हैं, हमारे जो असातिदा गुज़रे हैं या यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियतें गुज़री हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, सारा मवाद उन्होंने हमें फराहम कर दिया है। हमें उनकी तहरीरें पढ़ना है और उनकी तकरीरें हमें सुनना है। तकरीर का जहाँ तक सवाल है तो इस वक्त तकरीर का एक कहना चाहिए फैशन चला हुआ है, हर आदमी तकरीर कर रहा है, चाहे उसे तकरीर करना आती हो ना आती हो, उसको तकरीर की मशक हो या ना हो, तकरीर करने की सलाहियत वो रखता हो या ना रखता हो, लेकिन ये जो यूट्यूब चला है इसने हर आदमी को मुकर्रर बना दिया है। वो अपना बैठ जाता है कमरे के अंदर और अपनी बात कहता है। आप देखें बाज़ बड़े मुकर्ररीन जिनका इस वक्त पूरी यानी दुनिया में एक डंका बज रहा है और बड़ा चर्चा है, उनके यहाँ भी अगर आप उनकी हर तकरीर को बहुत गौर से सुने, अगर आप वाकिफ़ हैं तो फिर आप गिरफ्त कर सकते हैं, अगर आप वाकिफ़ ही नहीं हैं तो आप उनकी हर बात पर एतबार करते चले जाएंगे। इस वक्त तकरीर में मुबालगा आराई पर बहुत ज़ोर है, यानी इतना मुबालगा किया जा रहा है कि असल बात तो गायब हो जाती है, मुबालगा रह जाता है। इसी तरह तकरीर को मौसर बनाने के लिए वाकयात ऐसे सुनाए जा रहे हैं कि आदमी यही कह सकता है कि ये वाकया फ़र्ज़ी है, कहीं से भी वो वाकया सच्चा मालूम नहीं होता है। एक मुकर्रर साहब की बात मैं आपसे यहाँ पर नकल करता हूँ, सुनते रहते हैं, अंदाज़ा होता रहता है। अब बाहर वाले तो नहीं जानते कि कौन, यानी तकरीर करने वाला बेचारा ये नहीं जानता कि उसकी तकरीर कौन कौन सुन रहा है। एक साहब तकरीर कर रहे हैं, वो यूट्यूब में पढ़िए, पड़ोसी मुल्क हैं, वो एक अमल के बारे में बता रहे थे। कहने लगे तकरीर में कि मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की एक साहिबजादी थी, अब बताइए उनकी कोई औलाद ही नहीं है और वो साहिबजादी वो पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए। कहने लगे मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की एक साहिबजादी थी, उनकी दांत में दर्द हुआ, तकलीफ़ जब बहुत बड़ी तो उन्होंने जाकर मौलाना अली मियां साहब से कहा कि अब्बू जान हमारे दांत पर बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या करें, डॉक्टर को दिखला दिए। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये अमल कर लो, दर्द तुम्हारा दूर हो जाएगा। बस उन्होंने वो अमल किया, वो दिन बुढ़ापा उनका आ गया, एक दांत भी उनका नहीं हिला। अब ज़रा आप सोचिए, ये मतलब ये वाकया, नाम मैं नहीं लूँगा, ये वाकया जो है बिल्कुल अब पाकिस्तान वाले ना जान पाएंगे। भाई जिसको पता नहीं मौलाना अली मियां साहब के बेटी थी कि नहीं थी, बेटा था कि नहीं था, उनकी औलाद हुई कि नहीं हुई, जो नहीं जानता वो तो यकीन कर लेगा, लेकिन जो जानता है वो क्या करेगा, वो ऐसे मुकर्रर को के बारे में क्या राय देगा, क्या उसका तासुर होगा। तो ये तो एक मिसाल है, हम 10 मिसालें दे सकते हैं कि खुला झूठ बोला जा रहा है, खुला वाकया फ़र्ज़ी बयान किया जा रहा है, और हैं बड़े मुकर्रर, बड़े वाइज हैं, और लोग साहब लाखों में उनकी तकरीरें जो हैं शेयर भी हो रही हैं, सुनी भी जा रही हैं, और एक बड़ी शोहरत उनकी है। ऐसी कई है, इसे एक साहब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम के बारे में एक ऐसी वाकया नकल कर दिया, या और भी इस तरह के आप अगर देखें तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि जहाँ पर मुबालगा है, झूठ है, ख्वाब है, गलत बयानी है,
तो इन चीज़ों से, नजवे से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको ख़ास तौर पर बचना है। आपकी तकरीर का असर पड़े ना पड़े, आप ज़्यादा दूसरों की सलाह के चक्कर में ना पड़िए। लोग ये कहते हैं कि साहब अगर हम इस तरह अपनी तकरीर में असर नहीं पैदा करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अरे फ़ायदा हो ना हो, फ़ायदा हो ना हो, हिदायत मिले ना मिले, आप अपनी हिदायत क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? आप अपना ईमान क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप झूठ बोलकर आप गुनाहगार क्यों हो रहे हैं? आप दूसरे की सलाह के लिए अपनी अपने को बिगाड़ दें, ये कौन सी अकलमंदी है? तो पहली चीज़ ये कि जो हजरात तकरीर करें या मज़मून लिखें तो इस बात का ख्याल रखें। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम का एक जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये जुमला आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। जब भी आप कुछ लिखें या जब भी आप कुछ बोलें ये जुमला आपके सामने खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा, वही लिखिए वही बोलिए कि अगर आपसे साबित करने को कहा जाए तो आप उसको मुस्तनद हवाले से साबित कर सकते हो, तब नकल कीजिएगा। हवा हवाई में नकल ना कर दीजिएगा कि सुना था, किससे सुना था, अब ढूंढ रहे हैं किससे सुना था, इसका कोई एतबार नहीं है। आप वही बात कहिए, वही वाकया नकल कीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको साबित कर दीजिए तो आप उसको साबित करने का दम रखते हों, वरना न कहिए। वरना हमेशा हमेशा तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, लेकिन शर्मिंदगी से दो चार हो सकते हैं अगर आपने इतनी एहतियात नहीं की। तो पहली चीज़ क्या, मुबालगा आराई से बचना है। दूसरी चीज़ क्या, फ़र्ज़ी वाक़या सुनाने से बचना है। तीसरी चीज़ क्या, ख़्वाब वग़ैरह के बयान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नदवे में जो हजरात गुज़रे हैं वो उनकी तकरीरों को अगर आप सुनेंगे तो उनकी तकरीरें इन चीज़ों से आपको खाली मिलेंगी, वो सीधी बात करते हैं। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल तन्हा काफ़ी है, बस आप उनको नमूना बनाइए, उसके अलावा किसी को देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। चूँकि वो 23 साल उनको गुज़र चुके हैं, जहनों से बहुत सी चीज़ें उनकी निकल गई हैं और आदमी इतना उनको सुनता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, न मुताले का वो रवाज है, न पिछली बातें सुनने का शौक़ है। अब जो मुकर्ररीन हैं जिनको शोला बयान कहा जाता है, हालांकि शोले की ज़रूरत ही नहीं भैया, वैसे ही आग लगी हुई है, आप कहाँ से शोले अंगारे चिंगारियाँ बरसा रहे हैं? अरे आप बुझाने का काम कीजिए, पानी डालिए, खुदा के वास्ते पानी डालिए। तो माउल बयान मुकर्रर तो बहरहाल चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ शोला बयान। तो ये हालांकि लोग इसको अच्छा समझते हैं कि जितना जोश हो, जितनी ताकत से बात कही जाए, जितनी गर्म बात कही जाए, आग लगा दी जाए, झुलसा के रख दिया जाए, जला के रख दिया जाए, खाकसर कर दिया जाए, राख का ढेर बना दिया जाए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इन हालात में हालात तो इतने बिगड़ चुके हैं, वैसे ही घर घर आग लगी हुई है, इदारे इदारे में आग लगी हुई है, खानकाहों में आग लगी हुई है, मसाजिद में आग लगी हुई है, हर जगह आग ही आग तो है। अब आप कहा क्यों उसमें इजाफा कर रहे हैं, क्यों आग में तेल डाल रहे हैं आप? अरे आग को ठंडा कीजिए, उसको सर्द कीजिए, तो नरम बात कीजिए। आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई खतीब नहीं हुआ ना। आप सुनिए, आपके अकवाल देखिए, आपकी अहादीस सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा आप किस तरह बात करते थे, आपके अंदर कितनी नरमी थी, आपके अंदर कितनी इज्जत, दूसरे की इज्जत का कितना ख्याल था, कितना एहतराम था दूसरे का, कितनी मुरव्वत थी आपके अंदर, कितना हिल्म था, कितनी बुर्दबारी थी, कितना आपके अंदर दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करने का मिजाज था, वो चीज़ें लीजिए। तो मुकर्रर बनिए, मुकर्रर बनना है आपको, समाज में जाना है, लोगों को खिताब करना है, लेकिन आपका खिताब तामीरी होना चाहिए। और दूसरे एक चीज़ और, एक ये भी रवाज चल गया है कि रहेंगे छोटे से मोहल्ले में, तकरीर हो रही है गांव में, गांव के चंद लोग जमा हैं और बात हो रही है बाइडन की, बात हो रही है पुतिन की, बात हो रही है सद्दाम हुसैन की, बशार अल असद की और मोहम्मद बिन सलमान की और ईरान की, तुरान की, अमेरिका की, लंदन की। अरे वो बेचारे जो देहात के लोग आपसे के सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मजमा है, वो जानते भी नहीं कि बाइडन चिड़िया का नाम है कि बगले का नाम है कि किसी चरिंद या परिंद का नाम है, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते कि ये पुतिन कौन है, ये मछली का नाम है या किसी शिकरे या इकाब का नाम है, वो नहीं जानते बेचारे। आप उनके सामने सीधी सीधी बात कीजिए जो उनसे ताल्लुक़ रखती है, आप उनके अकायद की इसलाह की बात कीजिए, उनके अखलाक की इसलाह की बात कीजिए, उनके मामलात की इसलाह की बात कीजिए। वो सब छोड़कर आलमी सियासत पर गुफ्तगू करने का कोई जवाब नहीं है वहाँ पर। हाँ, जहाँ मौका उसका हो तो वहाँ वो बात कीजिए।
हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बड़े मौक़े दिए। उन्होंने सरबराहों को भी ख़िताब किया, उन्होंने यूरोप और अमरीका की यूनिवर्सिटियों में भी ख़िताब किया, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मदरसों में भी ख़िताब किया, यानी असरी दानिशगाहों में भी किया और मजहबी इदारों में भी किया, उन्होंने छोटे मदरसों में भी ख़िताब किया, उन्होंने मकतब में भी ख़िताब किया। वो लंदन में भी ख़िताब कर रहे हैं और तकिए जैसे गांव में छोटे से एक बस्ती में भी ख़िताब कर रहे हैं। आप उनका अंदाज़ देखिए, उनका उसलूब देखिए, जहाँ जैसा मजमा वैसी बात। अगर ऑक्सफोर्ड में ख़िताब कर रहे हैं वहाँ अंदाज़ दूसरा है, हार्वर्ड में ख़िताब कर रहे हैं वहाँ अंदाज़ दूसरा है, कैम्ब्रिज में ख़िताब कर रहे हैं वहाँ अंदाज़ दूसरा है, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में ख़िताब कर रहे हैं, जामिया उम्मुल कुरा में ख़िताब कर रहे हैं वहाँ अंदाज़ दूसरा है, दारुल देवबंद में ख़िताब का अंदाज़ दूसरा, नदवे में ख़िताब का अंदाज़ दूसरा, JNU जामिया मिलिया में ख़िताब का अंदाज़ दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अंदाज़ दूसरा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंदाज़ दूसरा, और छोटे से मकतब में, मस्जिद में चल रहे मकतब में छोटे छोटे बच्चों से ख़िताब का अंदाज़ दूसरा, तेंदुआ मदरसे में खालिस देहाती लोगों में जिनको पहनने के भी शायद शोर ना हो, सलीका ना हो, उनमें ख़िताब का अंदाज़ दूसरा। आपको उनका हर खिताब अलग दिखेगा और हर खिताब में काम की बात। और ऐसे ऐसे मौक़े आए कि कहना चाहिए कि उस वक्त मौलाना के अंदर जो जोश था, जो जज्बा था, बोलने में जो रवानी और कुदरत थी, शायद उसकी मिसाल न मिलती हो, लेकिन एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कि जिसको आप ये कह सकें कि ये शरीफाना नहीं है। अल्फाज के बारे में वो ख़ुद कहते थे कि अल्फाज का भी टेम्परेचर होता है, उसमें भी बुरूदत होती है, उसमें भी हरारत होती है, तो उस बुरूदत और हरारत को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत है ठंडे लफ्ज़ के इस्तेमाल की, आप वहाँ पर गर्म लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, गलत हो जाएगा। जहाँ पर गर्म लफ्ज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत है वहाँ पर आप ठंडा लफ्ज़ ले आएँ, वो बात वहाँ पर गलत हो जाएगी। ऐसे ऐसे मौके आए, आप सोचिए मक्का मुकर्रमा में राबता आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में चोटी के लोग हैं, खुद शाही ख़ानदान के कई लोग हैं, अफ़गानिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म अब्दुल रब रसूल सयाफ मौजूद हैं, यासिर अरफात फ़लस्तीन के वो मौजूद हैं, और उस वक्त मौलाना से कहा जाता है कि सबकी नुमाइंदगी करते हुए इन सरबराहों को आपको ख़िताब करना है। उस वक्त मौलाना की जो तकरीर है वो ऐसी है कि लगता है कि मौलाना की दिमाग की रग फट जाएगी, इतना जोश, इतनी ताकत, इतनी रवानी, लेकिन एक लफ्ज़ भी कोई नहीं कह सकता कि ये ज़ायद हो गया है या ये लफ्ज़ जोश में मौलाना बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। आपने उस वक्त तकरीर सुनी, हालात कभी जिस वक्त जिस माहौल में तकरीर की जा रही होती है तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता है गलती का, गलती का अंदाज़ा होता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब हालात नॉर्मल हो चुके होते हैं और वो गर्मी ख़त्म हो चुकी होती है, तब वो तकरीर, अगर उस तकरीर पर कोई एतराज़ नहीं कर पा रहा है, कोई उंगली नहीं रख पा रहा है 20 साल गुजरने के बाद, तब समझ लीजिए कि वो तकरीर कामिल तकरीर है, वो मुकम्मल तकरीर है। इसी तरह उर्दुन में मलिक हुसैन के महल में उनकी पूरी काबीना के साथ फ़लस्तीन के मौजू पर जो मौलाना ने तकरीर की, वो तकरीर भी उनकी शाहकार है। अल्हल्लुल वहीदुल क़ज़ियत फ़लस्तीन, ये उसका मौजू वहाँ पर था, और वहाँ तहाति सलाहुद्दीन सानियत फ़ीना, ये मक्का मुकर्रमा की कॉन्फ्रेंस में इसी शेर से मौलाना ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया था। इसी तरह देवबंद सत्साला जश्न के मौके पर जो ठाटे मारता हुआ समंदर था इंसानों का, इसको मौलाना ने ख़ुद कहा कि अरफात में ये मजमा तो देखा है, उसके अलावा इतना बड़ा मजमा नहीं देखा। और एक खातून जो उस वक्त वज़ीर आज़म थी वो उस जलसे में आई और उन्होंने मुसलमानों को बड़ी नसीहतें की, उसका मौलाना को गुस्सा था और जोश था और मौलाना इसको नापसंद कर रहे थे। उस मौके पर गुस्से की हालत में जो मौलाना ने तकरीर की है, वो तकरीर देवबंद के उस यानी जिस साल वो जलसा हुआ, मेरे ख़्याल में कितने साल हो गए होंगे इसको, अरे 40 साल से ज़्यादा उस जलसे को हो गए, 40 साल पहले उस यानी उस गर्म माहौल में सख्त तरीन गुस्से की हालत में जो मौलाना ने तकरीर की थी, 40 साल के बाद आज वो तकरीर सुनिए, आप नहीं कह सकते मौलाना जोश में बोल गए थे। इसी तरह एक तकरीर उनकी मैंने सुनी यहाँ पर लखनऊ में सहकारिता भवन में, वो तकरीर का पस मंज़र भी ईद
उससे पहले गुजरी थी और ईदगाह में फायरिंग हुई थी, 12 बच्चे शहीद हो गए थे और यूपी के वज़ीर आला वीपी सिंह थे। उस वक्त एक प्रोग्राम था, वीपी सिंह वज़ीर आला की मौजूद थे उस जलसे में, मौलाना सदारत कर रहे थे, मेहमान खसूसी वीपी सिंह थे। मौलाना सख्त गुस्से की हालत में थे। मौलाना ने तकरीर की, एक जुमला मैं यहाँ नकल करता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ है तहजीब, क्या चीज़ है शाइस्तगी और क्या चीज़ है हुस्न बयान और क्या चीज़ है अदब। मौलाना ने उस मौके पर सख्त गुस्से की हालत में जो जुमला इस्तेमाल किया वो ये, बगल में इस तरह बैठे हुए जैसे मौलाना बैठे हुए, मौलाना ने कहा और मौलाना की आवाज़ भर्रा गई, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए शिद्दत गम से और शिद्दत सदमे से। मौलाना ने कहा, वीपी सिंह जी, मेरा हाथ आपके गिरेबान तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरा हाथ आपके दामन तक ज़रूर पहुंच सकता है, और ये कहकर दामन पकड़ लिया और उसके बाद कहा, मौला वीपी सिंह जी, मुझे इस लायक रखिए कि मैं बाहर सफ़र कर सकूँ। मैं बाहर सफ़र कर नहीं पा रहा हूँ कि मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं कैसे तारीफ़ करूँ अपने मुल्क की, जाऊंगा तो वहाँ मुझसे पूछा जाएगा, यहाँ के हालात के बारे में पूछा जाएगा, मैं झूठ बोल नहीं सकता और मुल्क से मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं सच भी ना बोलूँ। देखिए ये है किस तरह उन्होंने अपनी बात कही और वीपी सिंह की खुद आंखों में आंसू आ गए और उसने मौलाना का हाथ लेकर अपने सर पर रख लिया। मौलाना डांट भी सकते थे, बहुत से लोगों ने डांटा, ऐसे ऐसे जुमले बोल गए कि यकीन नहीं आता कि एक आलिम ऐसे जुमले बोल रहा है, लेकिन वो जोश में बोले ही उन्होंने जुमले, नहायत गलत जुमले बोल गए लोग, लेकिन मौलाना फरते जज्बात में भी, गुस्से की सख्त गुस्से की हालत में भी मौलाना के मुंह से कभी कोई लफ्ज़ भोंडा हुआ नहीं निकला कि आदमी ये कह सके कि यह आलिमाना शान या आलिमाना वक़ार के ख़िलाफ़ है। तो हमें मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के उसलूब को सामने रखना होगा। अगर आप चाहते हैं, यहाँ बारादरी में जलसे में उन्होंने प्याम इंसानियत का जलसा था, बड़े बड़े हिंदू दानिश्वर शरीक थे, यहाँ पर भी मौलाना ने सख्त तकरीर की, लेकिन ऐसी तकरीर की कि कोई उस पर उंगली नहीं रख सका, लेकिन उन्होंने मुल्क के पूरे हालात को अपनी उस तकरीर में बयान कर दिया। जो बिगाड़ था वो पूरा का पूरा उन्होंने सामने रख दिया। और मौलाना इसमें थे क्या, करते क्या थे या कहना क्या चाहते थे, इस शेर से अंदाज़ा हो सकता है। उस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर का जो आगाज़ किया, अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे रहे न रहे तो दर्द दिल कह ले। मौलाना दर्द दिल कहते थे, मौलाना गुस्सा नहीं निकालते थे, मौलाना अपनी तकरीर की धाक बिठाने की कोशिश नहीं करते थे, मौलाना ईरान तुरान की बात नहीं करते थे, जैसा मजमा होता था वैसी बात करते थे, वो अमली बात करते थे, वो तामीरी बात करते थे, वो वहाँ पर किसी के मतलब किसी चीज़ के बहकावे में नहीं जाते थे। बहकावे से मुराद ये कि पहले से उन पर एक चीज़ तारी हो गई कि मुझे गुस्सा करना है, गुस्से का इजहार करना है, डांटना है, फटकारना है, ये शाया निशान नहीं है। इस ये एक आम मिजाज बन गया है लोगों का कि वो तकरीर जब करते हैं, देखिए हर इंसान में खराबियां होती हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर 10 खराबी आप में हैं तो हो सकता है 11 खराबियां मुझ में हों। मुकर्रर की एक कमज़ोरी मैं आपको बताता हूँ, वो क्या होती है कि मुकर्रर समाज की उन खराबियों का ज़िक्र करता है जो खराबियां उसमें नहीं हैं, और उन खराबियों के तस्करे को गोल कर देता है जो ख़ुद उसके अंदर पाई जा रही होती हैं। किस ज़ुबान से कहेगा वो, अपने से ज़्यादा अपने को कोई नहीं पहचानता। मुकर्रर अपने मजमे को पहचाने न पहचाने, वो अपने को ज़रूर पहचानता है। तो जो कमज़ोरी ख़ुद मुकर्रर के अंदर है वो कभी उसका इजहार नहीं करता, इसीलिए आमतौर पर आप देखेंगे मुकर्रर अपनी मस्जिद में तकरीर भी नहीं करता है, वहाँ क्या कहेगा वो, 10 आदमी तो उसको भी जानते हैं, उसकी हरकतों को भी जानते हैं, वो अमरीका जाएगा, लंदन जाएगा, जहाँ उसे कोई नहीं जानता, वहाँ सिर्फ लोग उसको उसकी तकरीर से जानते हैं, उसकी ज़िंदगी से नहीं जानते, उसके मामलात से नहीं जानते, उसके अखलाक से नहीं जानते। तो आप ऐसे मुकर्रर बनिए कि आप घर में भी बात करें तो लोग कहें कि सही कह रहे हैं, घर में भी कोई आपसे ये ना कह सके कि अपने गिरेबान में मुँह डाल के देखिए, पहले अपने पर नज़र डालिए, पहले अपने ऐबों को देखिए। तो ये उसी वक्त होगा जब आपका दामन साफ़ होगा। अगर आपके दामन में धब्बे हैं, आपके दामन में दाग हैं, ख़ुद आपकी शोहरत ख़राब है, ख़ुद आप
मोहल्ले में बदनाम हैं तो आप कभी भी अपने मोहल्ले में सही बात नहीं कह पाएंगे, ना आपकी बात सही तौर पर लोग सुनने की मतलब सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। तो कौल व अमल में मुताबिकत भी ज़रूरी है। हर मुकर्रर आप में से ऐसा हो कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में ख़िताब करे तो डंके की चोट पे करे, पूरे एतमाद और यकीन के साथ करे, उसे यकीन हो कि कोई उंगली आपकी तरफ नहीं उठेगी। तकरीर के बाद मजमा जब निकले तो ये ना कहें कि अरे अपने को तो देखते नहीं, हमको कह रहे हैं। ऐसा बहुत होता है कि मुकर्रर तकरीर करके निकलता है तो मजमे से जब लोग छटते हैं तो यही सब बातें करते हुए जाते हैं, अरे अपने को तो देखते नहीं हैं, अपने घर वालों को देखते नहीं हैं, अपनी औलाद को देखते नहीं हैं, ख़ुद क्या इनका मामला है वो देखते नहीं हैं, ख़ुद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो देखते नहीं हैं, हमको नसीहतें करने चलें, हमको डांटने चलें, हम पर गुस्सा हो रहे हैं। तो आपको ये मिजाज जो तकरीर का या खुतबा का चल रहा है इसको बदलना होगा। तो मैं यही दो चार बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आप तकरीर में, आपकी तकरीर में एतदाल हो, तवाज़ुन हो, नरमी हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। हर नबी ने अपनी कौम को मुखातब करने से पहले ये यकीन दिलाया है कि क्या कि अना नासिहुन अमीनुन। तो जब आप खिताब करें तो सुनने वाला इस यकीन से आपकी बात सुने कि आप उसकी खैरखाही में कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप उसके खैरखा हैं, बदखा नहीं हैं। आप लिफाफे के लिए तकरीर नहीं कर रहे हैं, आप शोहरत के लिए तकरीर नहीं कर रहे हैं, आप अखबार में छपने के लिए तकरीर नहीं कर रहे हैं, आप समाज में इज़्ज़त पाने के लिए तकरीर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शनाख्त बनाने के लिए तकरीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर एक दर्द है, एक कर्ब है, उस कर्ब का इजहार कर रहे हैं, उस दर्द का इजहार कर रहे हैं। और अपनाइयत आपके अंदर होनी चाहिए, बल्कि होने के साथ साथ जिस मजमे के सामने आप खिताब कर रहे हैं उस मजमे को भी उस अपनाइयत यानी वो अपनाइयत महसूस होनी चाहिए, और उस अपनाइयत का इजहार आपके लहजे से होगा, लहजे की मिठास से होगा, शफकत से होगा, जिस शफकत का इजहार आपके चेहरे से, आपकी आंखों से हो रहा होगा, उस फिक्रमंदी से होगा जिस फिक्रमंदी का इजहार आपके एक एक जुमले से हो रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा इस मिजाज को जो इस वक्त चल रहा है उस मिजाज को बदलना होगा। ये जो कहना चाहिए एक फ़ैशन है या एक रवाज हो गया है तकरीर करने का, इसको थोड़ा सा बदलना होगा। और वो मिजाज जो नदवी फुजला का रहा है, हमारे बड़ों का रहा है, और ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का जो मिजाज रहा है, और उन्होंने जो एक उसलूब दिया, ये कहा जा सकता है कि उसलूब, जैसे उसलूब अदबी होता है, उसलूब इल्मी होता है, उसलूब खिताबी होता है, तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसलूब दिया है खिताबत का, उससे बेहतर मुझे दूसरा कोई उसलूब नज़र नहीं आता है। जोश इंतहा को, अगर जोश का मौका है, ठंडक इंतहा को अगर ठंडा मौका है, नरमी इंतहा को अगर नरम बात कहने का मौका है, सख्ती इंतहा को अगर सख्त बात कहने का मौका है, लेकिन शाइस्तगी, तहजीब, अदब और कोई लफ्ज़, कोई जुमला ऐसा नहीं जो तहजीब और शाइस्तगी से हटा हुआ हो। उनकी पूरी तारीख में, और चाहे वो तहरीर की तारीख हो या तकरीर की तारीख हो, आप तलाश करने पर भी शायद एक लफ्ज़ ऐसा ना पा पाएंगे कि आप कह सकें ये मौलाना के मकाम से फरोतर है, ये उनके मकाम से गिरा हुआ है, ये मौलाना को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या उनको शर्मिंदगी का एहसास हुआ हो कि गुस्से की हालत में ये बोल गया था और फिर ये चल पड़ा और हमेशा ये एक मेरे दामन पे एक दाग लग गया। कभी भी ऐसा आप नहीं पाएंगे। मैं इन चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।